ये प्रतिलेखन संख्या 4 है, रामधारी सिंह दिनकर खंडवन से। इससे पहले 3, 2 और 1 वीडियो अपलोड हो चुका है प्रतिलेखन संख्या का, और देखेंगे आज प्रतिलेखन संख्या 4 60 सब पर मिनट के स्पीड से। और इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किया गया उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं और वर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रतिलेखन संख्या 4 की ओर। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं, क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रही हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाए, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने, उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। यह कहा गया था कि इसको हाथों में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी। अन्न की कमी कहीं नहीं थी।
अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होती हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। ये प्रतिलेखन संख्या 4 था, 60 शब्द पर मिनट के स्पीड से। इसके बाद 5 प्रतिलेखन संख्या मिलेगा और 60 शब्द पर मिनट के स्पीड के बाद आपको मिलेगा 80 शब्द पर मिनट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हैं आप मेरे सासाराम शॉर्ट हैंड क्लास के चैनल पर जाकर जितने भी उसमें वीडियो अपलोड हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा चैनल जो सासाराम क्लास शॉर्ट हैंड है, ऑफलाइन भी क्लास चलता है सासाराम में। थैंक यू।